आप सबका मैं स्वागत करता हूं और इतना ही कहना चाहूंगा कि महानगर पालिका जो अपने काम करता है, रास्ते बनाना, नालियां साफ करना, लोगों की स्वास्थ्य और हेल्थ की तरफ देखना, उसके साथ साथ एक हमारे ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी है जिसको बोलते हैं कल्चर। मुंबई में एक कल्चर हो, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, इस सब चीज़ों पर भी ध्यान देना, ये भी एक हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। उस जवाबदारी को हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये मुरल बनवाया महानगर पालिका के मदद से, आगे भी जाके कई आपने देखा होगा फ्लोरा फाउंटेन और बहुत सारे जो हमारे हेरिटेज स्ट्रक्चर, जो हेरिटेज है, हेरिटेज सिर्फ एक स्ट्रक्चर से ही नहीं होता, हेरिटेज हमारी पोएट्री में है, हमारी पेंटिंग में, हमारी विचारों में है एक हेरिटेज, वो सबको जपना भी एक महानगर पालिका काम है। उसकी तरफ एक छोटा सा हम पैर कदम आगे रख रहे हैं। आप सब लोगों ने हमारा इसमें साथ दिया, इसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। आप सब यहाँ आए फिर से सब मैं आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द इथे संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आसिम भाई, अबू आसिम आजमी साहब आए और यहाँ पर दो शब्द कहें। जनाब अबू आसिम आजमी साहब, मैं सबसे पहले मेरी पार्टी के नगर सेवक रईस साहब को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यकीन जाने हम जो चाहते थे कि हम कुछ मुंबई में कर सकें, मुझे लगता है हम लोग की उम्मीदों पर रईस शेख ने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। और आज जो मंजर देखा हमने नागपाड़ा जंक्शन के ऊपर, 1857 का मंजर याद आ गया। 1857 के में हम मोर्चा हारे थे, मोर्चा जीते थे, जंग हारे थे क्योंकि अंग्रेज जीता था। लेकिन 1947 में जब हम आजाद हुए, वो 1857 की याद कि जब जंग आजादी थी तो हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा इत्तेहाद था इस देश के अंदर, अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए थे। और आज वो तस्वीर नजर आ रही थी उस नागपाड़ा के जंक्शन के ऊपर। लेकिन 1947 में जब हम आजाद हुए, हम जंग तो जीत गए लेकिन हमने अपना इत्तेहाद खो दिया। मुल्क दो हिस्सों में बट गया, जो हिंदू और मुस्लिम का इत्तेहाद था वो टूट गया।
वो उर्दू जबान जो इसी मुल्क में बड़ी और पली थी, इसी मुल्क की बेटी थी, वो गद्दार बन गई, वो अपने ही मुल्क में बेगानी हो गई। लेकिन मैं मुंबई कॉरपोरेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को, कि जनाब आपने उर्दू को घर दिया यहां पे। महाराष्ट्र में और खास तौर से मुंबई में 1,00,000 बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, जिन बच्चों के वालिदैन के पास रोटी नहीं है उनको आप लोगों ने उर्दू सिखाया, जिसका मैं पूरी कौम की तरफ से कॉरपोरेशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मिर्जा गालिब मार्ग पहले से है लेकिन उसे लोग क्लियर रोड कहते हैं, और इस मुल्क में और कई जगहों पर मिर्जा गालिब मार्ग होंगे, लेकिन जो आज यादगार मिर्जा गालिब, नक्श मिर्जा गालिब बना है वो बेमिसाल है। मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं बना होगा कहीं। मैं जिसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, और फिर एक बार याद करता हूं कि सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि हमारे मुल्क की दो आंखें हैं, एक उर्दू और एक हिंदी, अगर एक आंख भी खराब हो गई तो मेरा मुल्क बदसूरत हो जाएगा। ये जबान जोड़ने वाली है। हमारा मदनपुरा इलाका बुनकरों का इलाका, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उर्दू जो इस मुल्क में जिसके साथ सौतेलापन हुआ उसे अपने मुल्क में जगह मिलेगी। बहुत बहुत रईस तुमको मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा काम किया, पूरे लोग उर्दू के जानने वाले बहुत खुश हैं, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आखिर में मुंबई के प्रथम नागरिक, हम सबके चहेते महापौर महाड़ेश्वर जी को हम सुनेंगे। सबको नमस्कार। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब यांच्या भित्तीचित्र अनावरण सोहळ्याच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित सुप्रसिद्ध कवी, लेखक, गीतकार, माजी खासदार जावेद अख्तर साहब, सुप्रसिद्ध कथा व संवाद लेखक जावेद सिद्दीकी जी, रईस शेख साहेब, आमचे समाजवादी पक्षाचे गटनेते, खरं म्हणजे उर्दू भाषेतील गजल या काव्य प्रकारावर प्रसिद्ध पावलेले आणि जगभरात कोट्यवधी काव्यप्रेमींचे लाडके उर्दू कवी यांच्या जीवनपटावर आधारित नागपाडा जंक्शन या ठिकाणी उभारलेल्या म्युरलचे अनावरण करण्याचा मला जो मान मिळाला त्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो। ओके, म्हणजे मराठी समजतंय। गालिब या तीन अक्षराने उर्दू व फारसी या साहित्याचे नभांगण केवळ व्याप्त नाही तर त्याचा प्रभाव प्रदीर्घ काळ रसिकजनांवर आणि साहित्यिकांवर आणि अभ्यासकांवर पडला आहे। आणि रईस शेख जे आमचे सभागृहातले नगरसेवक, सातत्याने एज्युकेशन, हेल्थ किंवा स्थानिक प्रश्न याच्यावर सभागृहामध्ये सातत्याने बोलत असतात। आपले कल्चरल वेगवेगळ्या ज्या संस्कृती आहेत त्या संस्कृती जतन करणं आवश्यक आहे, आणि त्या दृष्टिकोनातून नागपाडा जंक्शन या ठिकाणी मिर्जा गालिब यांचे मुरल बसवण्यात आलं, आणि त्यानिमित्ताने प्रसिद्ध असे आमचे जावेद अख्तर साहेब, जावेद सिद्दीकी साहेब सगळे उपस्थित आहेत। हे कल्चर जपलं पाहिजे, सांस्कृतिक वारसा जपला पाहिजे, आणि म्हणून खरं म्हणजे अबू वसीम आझमी साहेब आपण विशेष कौतुक करायला पाहिजे रईस शेख साहेबांचं, खूप चांगलं काम त्यांनी, खरं म्हणजे इतिहासातले एक उर्दू कवी आणि गझलकार जे मिर्जा गालिब यांचं म्युरल त्या ठिकाणी बनवलं, विशेष मेहनत घेतली। आमचे स्थानिक या विभागाचे वॉर्ड ऑफिसर आरते साहेब, DMC काळे, आणि मुख्यत्वे करून विशेष आभार मानायला पाहिजे ते आपले कमिशनर अजय मेहता साहेबांचे, त्यांनी एवढा वेळ काढून या कार्यक्रमाला ते उपस्थित राहिलेत
आणि आपल्याला सगळ्यांना एक काम करते वेळी खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांनी सहकार्य केलं, खूप खूप सगळ्यांचे आभार. आणि पुन्हा एकदा रईस शेख यांचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वातीनो हजरात, इसके साथ ही आज की शाम का जो पहला इवेंट था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है. तमाम मेहमानों ने किराम का शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश आपकी कि आप लोगों ने जो है अपना कीमती वक्त निकाला और हम लोगों के दरमियान हाजिर हुए. स्नेहल मैडम अम्बेकर मैडम का जिक्र रह गया था, एक्स मेयर है बम्बई की, हम उनका इस्तकबाल करते हैं. और तमाम नगर सेवक जो यहाँ पर आए हुए हैं और जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, अपना ताउन दस्ते ताउन बढ़ाया, उन तमाम के लिए हम लोग जो है एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं. और मैं अब गुजारिश करूंगा. तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि आप उन तमाम बच्चों को जो मेरा ख्याल ये है कि पहली मर्तबा गालिब से मुतआरिफ हो रहे हैं, उनको ये बताएं कि गालिब था कौन, उसकी अहमियत क्या है, उसकी अजमत क्या है, उर्दू में उसका मकाम क्या है और हम क्यों पिछले 100 साल से गालिब गालिब और गालिब करते रहते हैं. वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर है तो क्यों है, आपसे दरख्वास्त. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर. देखिए, ये मुल्क जो है ये बड़ा अमीर है हर मामले में, कल्चरली. हमारे पास जितनी ज़बानें हैं और ऐसी ज़बानें जिनकी हिस्ट्री है, जिनका लिटरेचर है, ये किसी दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं है, हमारे पास. हमारी ज़बानों के जो शायर हैं, जो राइटर हैं, वो उस ज़बान के शायर और राइटर तो हैं लेकिन दरअसल हिंदुस्तान के राइटर. वो गालिब हों, वो टैगोर हों, वो नजरुल हों, वो निराला हों, वो बशीर हों मलयालम के, ये जाइंट्स हैं मगर ये सब हिंदुस्तान के राइटर हैं. के आर नारायण हिंदुस्तान के राइटर हैं. अलग अलग जबानों में इन्होंने लिखा है और ये सारी हिंदुस्तानी जबानें हैं. जैसे उर्दू, ये भी एक हिंदुस्तानी जबान है. अक्सर इसके बारे में गलतफहमियाँ होती हैं कि शायद ये कहीं और की है, लेकिन सच ये है कि हिंदुस्तान में ही बोली गई और यहीं से वो लोग गए हैं जो अगर दुनिया के किसी भी कोने में है तो यहीं से गए हुए हैं जो बोलते हैं. कोई न्यूजीलैंड से वहां नहीं गया है, कोई कीनिया से नहीं गया है, वो सारे हिंदुस्तानी हैं. अब उनकी शहरियत कुछ और हो गई हो जाए लेकिन उनकी रगों में तो सदियों का हिंदुस्तान का ही खून बह रहा है, इसलिए उर्दू बोलते हैं वो. ये गालिब और उर्दू, उर्दू और गालिब एक बड़ा रिश्ता है यकीनन, और इन दोनों के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं. मिसाल के तौर पे जब टू नेशन थ्योरी प्रीच की गई जिसने हमारे मुल्क को तकसीम कराया, उसमें हर चीज़ के एक वर्जन बना, एक हिस्ट्री का वर्जन बना, एक कल्चर का वर्जन बना, एक हर चीज़ को अलग किया गया. लेकिन अब ये ज़बान जो थी उर्दू, ये तो जिंदा सबूत थी कि टू नेशन थ्योरी गलत है, इसलिए कि ये सचमुच गंगा जमनी कल्चर की पैदाइश है. तो अब इसका क्या करते भाई, ये तो नहीं हो सकता था कि नाउन पाकिस्तानियों को दे लेते और वर्ब हम रख लेते, ये मुमकिन नहीं था. तो इस जबान को एक तरफ ढकेला जाना था टू प्रूव द टू नेशन थ्योरी राइट, इसे साबित, ये दो कौमी जो थ्योरी थी उसे सही साबित करने के लिए. ये उर्दू क्या है जो मेरी मादरी जबान है, मुझे इस पर फख्र क्यों है कि दुनिया में जितनी जबानें हैं जब उनमें शायरी शुरू हुई है तो हमेशा रिलीजियस पोइट्री शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे टॉपिक आए. उर्दू पहले दिन से सेकुलर जबान है, इसमें कोई बड़ा शायर रिलीजियस पोइट नहीं हुआ. मीर अनीस को आप कहिए तो उन्होंने ठीक है जो मर्सिये लिखे हैं और जो डिस्क्रिप्शन है वो अपनी जगह है, लेकिन प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजन का कोई शायर बड़ा नहीं हुआ. जितने बड़े शायर हैं वो एंटी फंडामेंटलिज्म है, एंटी रिग्रेसिव थॉट्स हैं, एंटी फंडामेंटलिस्ट थॉट्स हैं, एंटी, ये गजल के विलर कौन है, गजल का मिलन है शेख, जाहिद,
मुहतसिब जो प्योरिटन हैं, जो रिलीजियोसिटी के लोग हैं, वो विलन है गजल में। लेकिन 1857 के बाद जब टू नेशन थ्योरी अंग्रेज ने पुश करना शुरू की, तो 70-80 साल के अंदर इसी उर्दू के दाढ़ी चिपका दी गई और टोपी रख दी गई सर पे, जो के हकीकत नहीं थी। गालिब जिस शायर की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा शायर, मतलब मैंने एक मरता जब मैं 15 साल का था तो मैंने अपने वालिद से पूछा कि एक बात बताइए कि गालिब क्या सचमुच उतना ही बड़ा शायर है जितना लोग कहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, उससे बहुत बड़ा है। और ये बात अब हमारे दोस्त ने उमर का हमारा तो खोल ही दिया है राज, लेकिन खैर अब जो भी है, कब तक छुपाते हम भी। तो ये अब इस उम्र में धीरे 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 मुझ पे आया हो रही है। क्लासिक का क्या खूबी होती है कि वो अपने वक्त में भी जायज होती है और एप्लीकेबल होती है, और वक्त गुजरता जाता है लेकिन वो वक्त से पुरानी नहीं होती, लगता आज ही की बात है। यही क्लासिक की खूबी है।